द सड़क नामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी कैबिनेट मीटिंग दिल्ली में ही हुई है और इससे पहले भी एक बार हमने कैबिनेट मीटिंग, जो नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हमने दिल्ली में की थी, आज दूसरी मीटिंग भी यहीं हुई है, क्योंकि हमारे मंत्रीगण ज़्यादातर आज यहीं थे और इसलिए इस मीटिंग में कुल 15 एजेंडाज थे, जिसके अंदर मुख्य मुख्य जो हैं, जिसका हमने निर्णय किया है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एक तो इसमें गन्नौर मंडी का काम सुचारू ढंग से चले, तो वहाँ एक कॉलोनी थी जो विकास के काम में जिसका व्यवधान आ रहा था, तो उनको पुनर्स्थापन करने के लिए उनसे बातचीत करके उनको एक ज़मीन का टुकड़ा और दिया है, ताकि वो अपने प्लॉट्स दो दो मरले के वहाँ ले करके और अपने मकान बनाए और वहाँ रह ले। तो एक एनक्रोचमेंट टाइप जो भी उसमें व्यवधान आ रहा था, उस व्यवधान को हमने समाप्त किया है। तो एक काम दूसरा, उसी में डॉक्टर्स की जैसे भर्ती का रास्ता साफ हुआ है, उसी प्रकार जो आयुष के अंतर्गत जो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं, होम्योपैथी चिकित्सा के हैं, आयुर्वेद और रेजिडेंट यूनानी फिजिशियन, इनके पदों को, क्योंकि बहुत समय से खाली हैं, इनको भरने के लिए भी जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है, उसके माध्यम से इन पदों को भी जल्दी भरा जाएगा, ये भी कैबिनेट ने फैसला ले लिया है। माउंटेनियरिंग, बहुत वर्षों से माउंटेनियरिंग करने वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में माउंटेनियरिंग पर जाते हैं, खास करके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, तो कोर्ट ने कहा कि उनकी भी कोई एक पॉलिसी बननी चाहिए। आज हमने एक पॉलिसी बनाई है कि वर्ल्ड वाइड 10 टॉप जो पीक्स हैं हाइट वाइज, उन पर चढ़ने के लिए कोई भी माउंटेनियरिंग के लिए सफलतापूर्वक चढ़ के आता है तो उसको 5 लाख रुपये की राशि और एक सी ग्रेड का उसको सर्टिफिकेट ये दिया जाएगा, ताकि उसके कैरियर में उस सर्टिफिकेट का उपयोग हो सके। तो ये भी हमने न केवल माउंट एवरेस्ट बल्कि 9 अन्य जो हाईएस्ट पीक्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनके लिए भी ये प्रावधान किया है। इसी प्रकार ऑनलाइन ट्रांसफर्स, अभी तक सफलतापूर्वक एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑनलाइन ट्रांसफ़र पिछले 2 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही है, अब बाकी विभागों में भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए एक जनरल पॉलिसी बना दी है, उसके पैरामीटर तय कर दिए हैं और हर विभाग उस ऑनलाइन ट्रांसफ़र को अभी तय किया है कि 500 से ज़्यादा की संख्या अगर किसी कैडर में है, वो सब ऑनलाइन ट्रांसफ़र हर वर्ष होंगे, ताकि कोई दुविधा उनको न रहे। तो ये भी प्रिंसिपली हमने एग्री कर लिया है। इसी प्रकार गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन्स के अंदर रिजर्वेशन, इसमें जो शेड्यूल कास्ट में डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट वो जो वर्ग हैं, उनको अलग से इसमें आधा शेयर दे दिया गया है, ताकि जो 20% का रिजर्वेशन है वो 10-10% हो जाएगा, और ये हमारा एक वायदा भी था, इसको भी आज हमने पूरा किया है, ताकि उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ने का अवसर मिले, ताकि वो लोग पढ़ लिख करके अपने जीवन यापन को आगे ठीक से बढ़ा सके। पुलिस विभाग के डिपार्टमेंट में एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ये भी पिछले साल भर से ये विषय चल रहा है, उसकी बिल्डिंग हालांकि बननी शुरू हो गई है, लेकिन सॉफ्टवेयर के नाते से कौन सा रिस्पॉन्स सिस्टम इसमें लागू किया जाए, ये प्राइवेट किया जाए अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीडक का जो सिस्टम है उसको लागू किया जाए, तो आज हमने निर्णय लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्थापित सीडक सिस्टम है उसको ही ये काम दे दिया है, ताकि वो उसको स्थापित करें और आगे के लिए भी उसकी मेंटेनेंस वो भी उन्हीं के जिम्मे रहेगी। हरियाणा रोडवेज के लिए हमने जो 700 बसों को किलोमीटर स्कीम में हायर करने की बात की थी, उसमें 190 बसें एक हैं जिसका टेंडर बाद में हुआ था, वो तो उस टेंडर की बसें तो आई रही हैं, लगभग 55 बसें रोड्स पर आ गई हैं, बाकी सबकी बॉडीज बन रही हैं, वो सब जल्दी आ जाएंगे। 510 बसें जो पहली बार टेंडर में आई थी, वो टेंडर डिफेक्टिव था, जिसके कारण से एक FIR भी हुई है, क्रिमिनल केस भी कुछ लोगों के ऊपर चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इनके साथ भी कोई अमिकेबल कोई फैसला कर सकते तो करना चाहिए। हमने उनको ऑफर दिया है कि जो 190 बसों की टेंडर जो हुआ है, उस टर्म्स एंड कंडीशन पर वो आना चाहें तो उसके लिए भी आज एक डिपार्टमेंट को हमने एक पॉलिसी, उस पॉलिसी पर लाने के लिए क्लियर कर दिया है कि 510 बसें भी यदि उस 26 रुपये 92 पैसे की
रेट के ऊपर अगर वो भी चलाना चाहते हैं तो उनको एक ऑफर दे दी जाएगी ताकि वो भी उसमें शामिल किए जा सके। हरियाणा के अंदर उद्योग में भी एंटरप्रेन्योरशिप में भी हरियाणा के लोगों को नौकरी मिले, तो इस नाते से एक डिस्कशन आज हमारा हुआ है जिसमें अभी हम लोगों ने LR से एक उनकी कंसल्टेशन से, इंडस्ट्री के कंसल्टेशन से, और इसका एक प्रावधान हम लेकर के आ रहे हैं ताकि हरियाणा के लोगों को 70% नौकरी मिले। हालांकि ये प्रावधान पहले से भी है हमारा, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं की जा रही है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं और सहमति से इसको हम कर सकें, इसके ऊपर भी आज विचार हुआ है और मैं समझता हूँ असेंबली सेशन से पहले पहले इस प्रक्रिया को भी हम पूरा कर लेंगे, हरियाणा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, ऐसा कैबिनेट ने पारित किया है। बजट सेशन तो हमारा वैसे जो पिछली बार बुलाया गया था एक शॉर्ट सेशन, लेकिन उसी को प्रोरोग नहीं किया गया था, साइंडा इसको अडजर्न किया था, तो वो सेशन अभी कंटिन्यूएशन में ही है, तो उसको दोबारा कन्वीन करने के लिए अब स्पीकर साहब के माध्यम से गवर्नर साहब को लिखा जाएगा और हम मंत्रिमंडल की ओर से उनको निवेदन करेंगे कि 17 फरवरी से और ये इस सेशन को आगे कन्वीन करके और उसी को बजट पेश करने का एक सेशन बनाया जाए। विशेष बात इसमें यह रहेगी कि पहले 3 दिन प्री बजट कंसल्टेशन, जैसे हमने अलग अलग स्टेक होल्डर से किया है, ऐसा 3 दिन के लिए प्री बजट कंसल्टेशन कहें, सजेशंस कहें, तो ये सारे विधायकों से भी विधानसभा में विषय अनुसार यानी डिपार्टमेंट वाइज उसका डिसीजन करके उन अच्छे सुझावों को हम अपने बजट में भी इनकॉर्पोरेट कर सकें, इस प्रकार का ये प्रावधान। और हरियाणा जो मैं समझता हूँ कि पहला एक हमारा प्रदेश होगा सारे देश में, इवन पार्लियामेंट में भी ऐसा नहीं होता, स्पीकर लोकसभा ने भी इस बात को बड़ा सराहा है कि नया स्टेप आप लोग ले रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हो, विधायकों के भी हो, तो ये कार्यक्रम उसी सेशन के प्रारंभ में होगा, गवर्नर एड्रेस होगा, बजट पारित होगा, तो ये BSC के माध्यम से उसका टाइम टेबल बनाया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा।